हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रूपम आर्य एजुकेशन फॉर यू पर। बच्चों, आज इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर का स्टडी करने वाले हैं। इसमें हम स्टडी करेंगे सिमिलीज का। ओके, ये पिछले वर्षों में आपके टेट यूपी टेट की परीक्षा में आया हुआ है और इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। और यदि आप यूपी टेट या सी टेट के कंपटीटर्स हैं तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो इससे आपका आपके पेपर में एक अंक का क्वेश्चन क्लियर रहेगा, यानी एक क्वेश्चन कम से कम इससे आता है। ओके, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से जो कि 2017 में आया था और इसके बाद 2013 में आया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पेपर में अवश्य आते हैं। ओके, तो आप देखिए पहला क्वेश्चन अब हम स्टार्ट करते हैं। व्हिच इज द करेक्ट एक्सप्रेशन, यानी कौन सा करेक्ट एक्सप्रेशन है। ओके, तो इसमें चार सेंटेंस दिए हुए हैं, यानी चार ऑप्शन दिए हुए हैं। इसमें एक ऑप्शन सही है और जो सही ऑप्शन है उस पर आपको टिक लगाना है। ओके, और ये सिमिलीज के एग्जाम्पल हैं बच्चों। सिमिलीज, सिमिली समझते हैं जिसको हम उपमा अलंकार कहते हैं, तो ये उपमा अलंकार के एग्जाम्पल्स हैं। और इसमें कोई भी एग्जाम्पल सही हो सकता है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल्स हैं इनके लिए एक डिफिनिट शब्द हैं या डिफिनिट क्रिएचर्स हैं, प्राणी हैं जिनकी तुलना की गई है। ओके, तो उसमें जो सही है वो आपको टिक लगाना है। तो पहला है एज चेयरफुल एज ए लार्क, एज बिजी एज ए बैट, एज कनिंग एज ए डॉग, एज हैप्पी एज ए डंकी। तो इसमें कौन सा सही है आपको सही पर टिक लगाना है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए सही है। ओके, एज चेयरफुल एज ए लार्क होता है, लार्क एक पक्षी होती है तो बहुत ही प्रसन्नचित होती है। तो एज चेयरफुल एज ए लार्क का मतलब अत्यधिक खुशी, अत्यधिक प्रसन्न। और बच्चों, एज बिजी एज ए बैट नहीं होता है, एज बिजी एज ए बी होता है। अगर बी होता तो यहाँ ये भी सही होता। एज कनिंग एज ए डॉग नहीं होता, एज कनिंग एज ए फॉक्स होता है। यदि यहाँ फॉक्स होता तो ये भी ऑप्शन सही होता। और एज हैप्पी एज ए डंकी नहीं होता, एज ए किंग होता है। अगर यहाँ किंग होता तो ये आपका ऑप्शन सही होता। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पर। और बच्चों, ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है ये आपका यूपी टेट की परीक्षा में 2013 में आया था और इस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आता है। ओके, एज अनस्टेबल एज, तो इसमें चार ऑप्शन दिया है, वाटर, म्यूल, मरकरी और एयर। ओके, तो इसमें आपका आंसर है मरकरी, जिसको हम पारा कहते हैं, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। ओके, और इसी के साथ मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट सिमिलीज के एग्जाम्पल लिखे हैं। ओके, और ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यदि आप इसे शुरू से अंत तक देखेंगे और आप इसे याद कर लेंगे, आपके दिमाग में रहेगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके यूपी टेट के पेपर में या सुपर टेट के पेपर में गलत नहीं होंगे और निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन आता है। ओके, और आप कम से कम एक क्वेश्चन का अंक अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सिमिलीज, ये यूजफुल कंपैरिजंस हैं। इस सिमिलीज का मतलब होता है उपमा। ओके, और ये जो आपके एक्सप्रेशन हैं, एक्सप्रेशन के साथ में कुछ निश्चित वर्ड्स होते हैं, उन्हीं वर्ड्स का हम यूज करेंगे। यदि कोई दूसरा वर्ड लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। ओके, तो आइए इसमें फर्स्ट है एज ब्लैक एज। एज ब्लैक एज, इस तरह का अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसके ऑप्शन में मिड नाइट दिया है या कोल दिया है, तो दोनों में से आपके लिए अगर कोई ऑप्शन दिया है तो आप इसमें से कोई ऑप्शन लगा सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन आपके पेपर में नहीं दिया रहेगा, कोई एक दिया रहेगा और तीन अन्य दिए रहेंगे। ओके, तो एज ब्लैक एज मिड नाइट करेंगे। और एज डार्क एज, यह जिस तरह का एक्सप्रेशन है एज डार्क एज, तो अगर डार्क शब्द यूज हुआ है तो वहां पर आप केवल मिडनाइट का प्रयोग करेंगे, यानी उतना काला जितना कि अंधेरी रात।
और एज डीप एज, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन दिया है तो आप वहां पर बेल को टिक करेंगे, एज बेल एज, एज डीप एज बेल, ओके। इसी तरह से एज इजी एज, उतना सरल जितना कि, यहां अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है तो आप ए बी सी पर टिक करेंगे, एज फ्रेश एज, उतना ताजा जितना कि, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है तो आप ए रोज पर टिक करेंगे। और इसी तरह से है एज बिजी एज, उतना व्यस्त जितना कि, ए बी बी माने मधुमक्खी, ओके। तो ये बहुत ही व्यस्त रहती है, एज बिजी एज, बी का मतलब बहुत अधिक व्यस्त। अब एज फ्लेट एज ये, यानी उतना समतल जितना कि, ओके ए बोर्ड, ओके। एज ब्लाइंड एज, उतना अंधा जितना कि एक चमगादड़, यानी बहुत अधिक अंधा, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है तो आप बैट लगाएंगे वहाँ पर। और इसी तरह से नेक्स्ट है एज क्लियर एज, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये नाइन्थ वाला आपके पेपर में आ सकता है, एज क्लियर एज ये एक्सप्रेशन, इसके लिए आप क्रिस्टल का प्रयोग करेंगे, एज क्लियर एज क्रिस्टल। और नेक्स्ट है एज फ्री एज, ओके उतना फ्री जितना कि द एयर, ओके। एज कोल्ड एज, उतना ठंडा जितना कि आइस, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट है एज गुड एज, उतना अच्छा जितना कि गोल्ड पर आप टिक लगाएंगे, अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है। और नेक्स्ट है एज हार्ड एज, उतना कठोर या उतना कड़ा जितना कि, तो स्टोन पर आप टिक करेंगे। और एज ग्रेडी एज ए डॉग आर वुल्फ, अगर आपके ऑप्शन में इस तरह का दिया हुआ है एज ग्रेडी एज, इस तरह का दिया है एक्सप्रेशन, और आपको आपके ऑप्शन में ए डॉग दिया है तो ये डॉग लगाएंगे, और ये वुल्फ दिया है तो ये वुल्फ आप लगाएंगे, ओके। तब आपका ये करेक्ट हो जाएगा, ओके। आइए आगे हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट 15 सेंटेंस देख, 15 फिर एक्सप्रेशन देखते हैं। एज कनिंग एज, उतना चालाक जितना कि ये फॉक्स, यानी बहुत अधिक चालाक। यहाँ पर अन्य कोई शब्द आ जाता है तो गलत माना जाएगा, और फॉक्स रहेगा तभी इसको सही माना जाएगा। एज ग्रीन एज, उतना हरा जितना कि, अगर ग्रास दिया हुआ है तभी आप सही करेंगे, ओके। अगर ग्रीन कलर दे दिया, कलर दे दिया तो आप गलत मानेंगे, यानी एज ग्रीन एज एक्सप्रेशन के लिए ग्रास ही राइट ऑप्शन होगा। और इसी तरह से 17 है एज इनोसेंट एज, उतना निर्दोष जितना कि, यहाँ पर ये लैम्ब होगा, लैम्ब बहुत ही निर्दोष होता है, यानी बहुत अधिक निर्दोष। एज ड्राई एज ये, देखिए अगर इस तरह का ऑप्शन है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उसमें ऑप्शन दिया है ए बिस्कुट आर बोन, दोनों ऑप्शन एक क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, या तो बिस्कुट दिया रहेगा या बोन दिया रहेगा, यानी उतना सूखा जितना कि बिस्कुट, अर्थात बहुत अधिक सूखा। नेक्स्ट है बच्चों एज हैवी एज, देखिए यहाँ पर लेड होगा, एज हैवी एज एक्सप्रेशन के बाद लेड होगा, आपके पेपर में आयरन भी लिखा जा सकता है या और कुछ दूसरा ऑप्शन लिखा जा सकता है, लेकिन लेड ही राइट ऑप्शन होगा। और 21वां सेंटेंस है एज हॉट एज, ओके उतना गर्म जितना कि फायर, यानी बहुत अधिक गर्म, यहाँ पर अन्य कोई ऑप्शन सही नहीं होगा, फायर ही इसको कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट है एज हंगरी एज, उतना भूखा जितना कि, अब इसके लिए आपके पास दो वर्ड होंगे जो इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट करेंगे, ये हास अथवा ये हाक, हाक एक प्रकार की पक्षी होती है बाज युकान से, ठीक। अच्छा तो अगर आपके ऑप्शन में हार्स है तो हार्स पे टिक लगाएंगे, और हार्स यदि ऑप्शन में नहीं है, हाक है तो हाक लगाएंगे। और देखिए 23 सेंटेंस एज हैप्पी एज ए किंग, यानी उतना पर्सनल जितना कि, ओके अब अगर और कोई दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा तो गलत माना जाएगा, ये किंग आप करेंगे। एज स्ट्रेट एज एन एरो, उतना सीधा जितना कि ये तीर, ओके यहाँ पर एरो आपका राइट ऑप्शन होगा। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है एज लाइट एज, उतना हल्का जितना कि ये, देखिए यहाँ पर लाइट और फ्री दो शब्द थे, फ्री अगर आया है तब भी आप वहाँ पर एयर
से उस एक्सप्रेजन को कंप्लीट करेंगे और लाइट आया है तब भी एयर से करेंगे। एज स्टूपिड एज, उतना धूर्त जितना कि डंकी यानी गधा बहुत अधिक मूर्ख होता है। एज स्ट्रांग एज, इस तरह का एक्सप्रेजन है। तो वहाँ पर बच्चों इस एक्सप्रेजन को हम दो वर्ड से कंप्लीट कर सकते हैं, एक हार्स से और दूसरा लायन से। अब आपको ये देखना होगा कि आपके ऑप्शन में कौन सा वर्ड दिया है, आप हार्स दिया है या लायन दिया है। जो दिया होगा आप उसे लगाएंगे, हार्स दिया है तो हार्स लगाएंगे, लाइन दिया है तो लाइन लगाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है एज श्योर आर पेल एज डेथ, अगर इस तरह दिया है एज श्योर एज तब भी आप डेथ लिखेंगे, और अगर एज पेल एज डेथ तब भी आप डेथ लिखेंगे। नेक्स्ट है एज स्वीट एज, उतना मीठा जितना कि, इसके लिए अगर आप में ऑप्शन दिया है शुगर तो शुगर लगाएंगे, और शुगर नहीं दिया है हानि दिया है तो हानि पर लगाएंगे। यानी एज स्वीट एज ये शुगर से और हानि दोनों से कंप्लीट हो सकता है। इसी तरह से नेक्स्ट है बच्चों एज प्लेफुल एज ये किटन, किटन कहते हैं बच्चों बिल्ली के बच्चे को, बिल्ली के बच्चे को, इसका मतलब उतना क्रीड़ामयी जितना कि बिल्ली के बच्चे। नेक्स्ट है 13 एज पुअर एज ए, उतना गरीब जितना कि, इसको आप कंप्लीट करेंगे ए चर्च माउस, चर्च का माउस बहुत गरीब माना जाता है क्योंकि वहाँ पर कुछ चढ़ाया बजाया होता नहीं, फूल पत्ती चढ़ाई जाती है और प्रेयर की जाती है। ओके, और 32 सेंटेंस है यानी फ्रेज बच्चों एज स्विफ्ट एज, उतना तेज जितना कि, हवा से तेज कुछ नहीं होता है, आपका मन ज़्यादा चंचल होता है, लेकिन इस तरह का एक्सप्रेशन एज स्विफ्ट एज इसको कंप्लीट करेगा द विंड। और इसी तरह से बच्चों आपका नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट फ्रेज है वह है एज प्राउड एज, उतना घमंडी जितना कि ये पीकॉक, पीकॉक को अपने पंख पर कलर पर बहुत घमंड होता है। ओके, यहाँ पर अगर आपके ऑप्शन में कुछ दूसरा दिया रहेगा और पीकॉक भी दिया रहेगा तो आप पीकॉक को टिक करेंगे। एज ट्रिकी एज, उतना ही ट्रिकी जितना कि एक मंकी, यानी ट्रिकी एज ट्रिकी एज मंकी होगा इसको कंप्लीट करने के लिए। और नेक्स्ट है एज क्विक एज, उतना फुर्तीबाज या उतना तेज या उतना जल्दी जितना कि लाइटनिंग, लाइटनिंग कहते हैं बच्चों चमक, विशेष करके बिजली की चमक जब आकाश में जो चमकती है। एज ट्रू एज, देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उतना सही जितना कि, देखिए यहाँ पर एक धातु का प्रयोग कर दिया गया है स्टील, यानी उतना ट्रू जितना कि स्टील। एज क्विट एज, उतना शांत जितना कि लैम, देखिए बच्चों यहाँ पर एक इसके पहले शब्द आया था इनोसेंट और क्यू यू आई टी, क्विट माने शांत। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन है एज इनोसेंट एज या एज क्विट एज तो आप वहां पर लैम लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है एज टिमिड एज, उतना डरपोक जितना कि ये हेयर, हेयर माने खरगोश कहते हैं, उतना डरपोक जितना कि एक खरगोश। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट 39 को आप देखें, 39 में एज रेड एज, उतना लाल जितना कि, ओके ब्लड, यहाँ पर बच्चों रेड कलर भी हो सकता है या अन्य कोई कलर हो सकता है, लेकिन एज रेड एज ब्लड ही माना जाएगा, अर्थात बहुत अधिक गाढ़ा बहुत अधिक लाल। एज टेम एज, ये चिकन यानी मुर्गी का बच्चा। ओके, एज टेम एज, यहाँ पर आपके पेपर में काऊ लिख सकता है या डॉग लिख सकता है और चिकन भी लिखा रहेगा, तो उसको तो कंप्लीट हर शब्द कर सकते हैं, लेकिन इस जो एक्सप्रेशन है इसके लिए ए चिकन ही करेक्ट है। और नेक्स्ट है एज रेगुलर एज, उतना नियमित जितना कि, इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट करेगा एक क्लॉक वर्क। नेक्स्ट है बच्चों एज रिच एज, यानी उतना धनी कि जितना कि, अब यहाँ ये जीव कंप्लीट करेगा, आपके पेपर में राजा हो सकता है या अन्य कोई हो सकता है, लेकिन ये जीव करेक्ट होगा। नेक्स्ट है एज राउंड एज, उतना गोल जितना कि, देखिए
इस तरह का अगर होगा एज राउंड एज, तो दो ऑप्शन इसके लिए कंप्लीट कर सकते हैं इसे, एन एप्पल से आप इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट कर सकते हैं या ए बाल से कर सकते हैं। अब आपको ये देखना होगा कि आपके टेट या सुपर टेट के पेपर में इस तरह के क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन दिया है। अगर एन एप्पल दिया है तो इसे कंप्लीट करेंगे, और यदि ये नहीं दिया है, ए बाल दिया है, तो ए बाल से इस एक्सप्रेशन को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, एज थिन एज, उतना पतला जितना कि वाटर, यानी इससे कंप्लीट करेंगे। पानी से पतला कुछ नहीं होता, यानी बहुत अधिक पतला। नेक्स्ट है एज शार्प एज, यानी उतना तेज जितना कि ये नीडल, ओके, यहाँ पर नाइफ लिख सकता है आपके ऑप्शन में या अन्य कोई चीज़ हो सकता है, लेकिन ये नीडल ही करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है एज सॉफ्ट एज, उतना सॉफ्ट जितना कि बच्चों एक बेक्स है और बटर, यानी जो ऑप्शन दिया होगा उससे आप अपने एक्सप्रेशन को कंप्लीट कर लेंगे। बेक्स का मतलब होता है मोम, ओके, यानी उतना मुलायम जितना कि मोम। नेक्स्ट है बच्चों एज अगली एज, ये टोड, टोड बच्चों एक प्रकार से एक प्रकार का मेढक होता है, उतना बदसूरत जितना कि एक टोड। एंड नेक्स्ट है बच्चों एज साइलेंट एज, देखिए उतना शांत जितना कि डेड, डेड माने जानते हो मुर्दा या डेड बॉडी, तो मुर्दा बिल्कुल कुछ नहीं बोलता, इसका मतलब एकदम बिल्कुल चुप। और नेक्स्ट है एज वॉचफुल एज, उतना एक वॉचफुल निगाह रखने वाला जितना कि एक हाक होता है बच्चों, इसे आप चील भी कह सकते हो, बाज भी होता है, एक बहुत ही बड़ा पक्षी होता है ये हॉक, ओके, गिद्ध दृष्टि। और लास्ट है बच्चों एज वीक एज, उतना कमजोर जितना कि ए बेबी। इस प्रकार से बच्चों मैंने दो एग्जांपल्स के साथ जो कि आपके यूपी टेट और टेट में आए थे, इसके अलावा 50 यानी 50 एक्सप्रेशंस को मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखें और इसको आप याद कर लें, और निश्चित रूप से आप यूपी टेट या सी टेट की परीक्षा जो कुछ भी आप देंगे उसमें से इस तरह के क्वेश्चन को इसी से हल कर लेंगे, और आपका एक क्वेश्चन जो भी अंक का हो, चाहे एक अंक का हो या दो अंक का हो, आप उसे हल करने में सफल हो जाएंगे, ओके।